एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं पॉडकास्ट करते हुए आ रहा पिछले लगभग 6 महीने से, तो ना हमारे ज़्यादातर पॉडकास्ट ना हमारे हॉरर कैटेगरी में हुए हैं, तो उनमें ना हमेशा एक चीज़ कॉमन है, वो सुनने को मिलती है कि हनुमान जी है ना इन चीज़ों का सॉल्यूशन है, भूत प्रेत से मतलब हनुमान जी बचाते हैं हमें हमेशा। और ये चीज़ मतलब मैंने फील की, कई बार मैं फील करता हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें सुनने के बाद ना दिमाग में चीज़ें रह जाती है, तो मैं भी हनुमान चालीसा का ही सहारा लेता हूँ। तो मतलब ऐसा क्या है कि मतलब हनुमान जी को याद किया जाता है? देखो फिर आ गई शंकर की बात जी। शंकर की पिटारी में दुनिया के सारे भूत रहते हैं जी। सबका मालिक भूतों के कौन है? शंकर भगवान, भूतेश्वर जी, भगवान महादेव। जब शिव जी की बारात चलने लगी, नंदी ने कहा कि आप और मैं ही चलेंगे, क्या बारात ऐसे ही जाएगी? शंकर जी ने कहा नहीं, बारात बहुत लंबी छोड़ी जाएगी, कहाँ से आएगी, अभी आ जाएगी। ऐसा मंत्र मारा, वो मंत्र तो मुझे भी नहीं पता, हुर्रम छुर्रम भुर्रम घुर्रम, पता नहीं क्या मंत्र होगा भूतों को बुलाने का। ऐसा मंत्र मारा भगवान महादेव ने, ओ भूत ही भूत, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के इतने सारे मुख है, किसी के पैर ही नहीं है, लगड़ाता ही आ रहा है, कई पैर पे चले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे भूत जी। ये जितने रोग हैं ये सब शंकर जी के गण हैं जी। ये जितने भूत प्रेत हैं ये सब शंकर जी के गण हैं जी। तो भूत प्रेतों पर कंट्रोल किसका है? शंकर जी का, भूतेश्वर का। हनुमान जी कौन है? शिव। तो इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जी। तो इसलिए भूत प्रेतों से निवारण हनुमान जी, कंट्रोल है उन पर।